हेलो दोस्तों, सीबीवी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स, आईटीआई सरकारी से करें या प्राइवेट से। ये बहुत बड़ा मन में सवाल होता है कि अगर प्राइवेट से करें तो जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, सरकारी से करें तो क्या होगा। आइए अध्ययन करते हैं और समझते हैं बारीकी से कि आईटीआई सरकारी से करें या प्राइवेट से। प्राइवेट से करते हैं तो सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी मन में एक सवाल होता है कि प्राइवेट से अगर करें तो सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अप्रेंटिस करना है कि नहीं करना है, अप्रेंटिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ा सवाल होता है। आइए विस्तार से हम लोग समझते हैं कि आईटीआई सरकारी करने से और प्राइवेट से करने से क्या बेनिफिट मिलता है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, दोनों में अंतर समझिए, दोनों सरकारी और प्राइवेट आईटीआई की। सरकारी आईटीआई में फ़ीस कम लगती है, प्राइवेट आईटीआई में फ़ीस ज़्यादा लगती है, ये पहला पॉइंट है, आप सभी को अच्छे से पता है। सरकारी आईटीआई में सिलेक्शन हाई स्कूल के जो है मेरिट के आधार पर होता है, जितना आपका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है सरकारी आईटीआई में। प्राइवेट में अगर आप हाई स्कूल या इंटर पास हैं तो आप जो है प्राइवेट आईटीआई कर सकते हैं। अगर पढ़ाई या जो है प्रैक्टिकल की बात करें तो दोनों में लगभग सेम ही होती है। थोड़ा सा प्राइवेट एरिया में जो है क्लास ज़्यादा चलते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते रहते हैं। सरकारी सेक्टर में ही क्लास ज़्यादा चलते रहते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकारी सेक्टर में जानते हैं कि सरकारी होती है तो थोड़ा सा ध्यान बहुत कम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी इच्छा है सरकारी से कर सकते हैं या प्राइवेट से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन है। सरकारी या प्राइवेट में थोड़ा सा और बारीकी को समझते हैं कि सरकारी और प्राइवेट के आईटीआई में क्या डिफरेंस होता है। सरकारी से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको जो है हाई स्कूल के आधार पे आपका मेरिट बनेगा तो भी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें परसेंटेज कितना आएगा, ये भी समझते हैं। अगर आपका जो परसेंटेज है वो अगर आपका 80% के प्लस आता है, 80% के अगर ऊपर आता है तो आपका जो है 80% के अगर ऊपर आता है तो आपका जो है बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, यानी आप मनचाहा ट्रेड पा सकते हैं 80+ के अगर ऊपर आता है। 70 के करीब आता है, 70+ आता है तो भी आपको मनचाहा ट्रेड तो मिल सकता है, लेकिन कुछ लोएस्ट कैटेगरी के भी ट्रेड, लेकिन अगर 60 के अगर नीचे आ गया तो मनचाहा ट्रेड नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आप हाई स्कूल इंटर पास आए हैं तो आपको जो है बढ़िया ट्रेड या मनचाहा ट्रेड जो आप चाहते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बेल्डर, टर्नर, मशीनी, स्कोपा, जो भी आप चाहते हैं उससे आप आईटीआई कर सकते हैं प्राइवेट में, ये आपको जो है बेनिफिट। तो आप चाहे आईटीआई सरकारी से करें या प्राइवेट से, दोनों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास एक डिग्री हो जाती है जिसे आप सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा प्राइवेट में फीस ज़्यादा लगती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन आपके मेरिट अच्छे हैं तो आपको सरकारी आईटीआई में जो है प्रवेश मिल जाता है। आपको वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।